डॉक्टर मेरे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, लाल लाल चकते हो गए हैं। ये त्वचा की बीमारी है जो बहुत तेज़ी से संक्रमित होती है और एक दूसरे के पर्सनल कॉन्टैक्ट में, पर्सनल एक दूसरे के साथ रहने से ज़्यादा फैलती है। मैं डॉक्टर विपिन जैन, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज हम त्वचा की बीमारी दाद के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दाद एक चर्म रोग है जो फंगस से होता है। इसके अंदर लाल लाल दाने, लाल लाल चकते होते हैं जो बीच में से होलो होता है, बीच में से जो है हल्का होता है, किनारे उसके बहुत ज़्यादा लाल होते हैं और उसमें बहुत खुजली चलती है। तो दाद जो है एक फंगल इन्फेक्शन है जो त्वचा के कॉन्टैक्ट में आने से, एक दूसरे के बहुत करीब आने से फैलता है, जो बहुत तेज़ी से, मतलब एक संक्रमित बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। दाद एक फंगस होता है जिसको हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। डर्मेटो मतलब चमड़ी और फाइट्स मतलब जो फंगल का एक पार्टिकल होता है वो कहलाता है फंगस। तो डर्मेटोफाइट्स एक फंगल इन्फेक्शन है जो कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से, चर्म रोग जो है वो कॉमनली साधारणतया एक दूसरे के संपर्क में आने से जल्दी फैलता है, बहुत संक्रमित बीमारी है। चूँकि ये त्वचा की बीमारी है जहाँ पे लाल लाल चकते होते हैं तो इसके अंदर खुजली बहुत होती है। खुजली के साथ में बहुत ज़्यादा जो है, इसको अपन माने तो खुजली जैसे पैरों के अंदर होती है, तो एक अपन कहते हैं एथलीट फूट, जो खिलाड़ी होते हैं उनके पैरों के अंदर जो है नमी की वजह से जल्दी होता है। दूसरा जो है लक्षणों में, इसमें खास जो है मोन इम्पॉर्टेंट खास चीज़ ये है कि खुजली बहुत ज़्यादा होती है और जो खुजली शरीर के अंदर होती है जहाँ पर भी आप खुजाएंगे और वो हाथ अगर आप दूसरी जगह लगाएंगे और दूसरी जगह खुजाएंगे तो वहाँ पर भी हो जाएगा। तो सही संक्रमण जो है खुजली के साथ में बहुत ज़्यादा फैलता है। और दूसरा, जिन व्यक्ति के अंदर बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनमें ये पूरे शरीर के अंदर हो जाता है और सीवियर, बहुत ही घातक रूप से फैलता है। या फिर डायबिटीज़ के मरीज हैं, डायबिटीज़ जिनको शुगर की बीमारी है उनके अंदर भी ये जो है दाद की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर से मैं बताऊं कि दाद के अंदर एक खुजली जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है या बहुत ही खास लक्षण है जिससे हमको डायग्नोसिस या बीमारी का पता लगाने में सहायता मिलती है। दाद के निदान में कोई बहुत खास जांचें नहीं होती हैं। ये बेसिकली अपन माने तो मरीज को देख करके, मरीज के लक्षणों से, मरीज की त्वचा का निरीक्षण करके पता लगाया जाता है। फिर भी कोई जांच करनी हो, कोई अपने को टेस्ट करना होता है तो हम चमड़ी के ऊपर से जो है स्क्रैप जो है वहाँ से चमड़ी को खुरच करके कुछ मटेरियल लेते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप में देख करके पता लगाते हैं कि भाई ये फंगस किस तरह का है और इस फंगस के क्या क्या विशेष लक्षण हैं। तो ख़ास तौर से जो है, वैसे तो इसका जो है हम प्रथम दृष्टता रूप से जो है पेशेंट मरीज को देख करके ही इसका डायग्नोसिस, इसका पता लगा लेते हैं। फिर भी कोई बहुत ज़रूरी जांच हो तो हम उसको जो है चमड़ी का स्क्रैप करके और एक सॉल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर माउंट करके और हम उस फंगस को देख लेते हैं। तो ये उसको निदान के लिए जो है फंगल फंगस का जो है स्लाइड के अंदर देख करके माइक्रोस्कोप में रक्त पट्टिका बना करके देख लेते हैं। देखिए, दाद चूंकि चर्म रोग है तो इसमें साधारणतया जो है लगाने के मरहम हम इस्तेमाल करते हैं और वो मरहम जो है वो प्रॉपरली और ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो दाद ठीक हो जाता है। दूसरा जो है, कभी ज़्यादा बीमारी हो या ज़्यादा फैली हुई हो, कई बार ये दाद जो है नाखूनों में हो गया, आपके पैर के अंदर हो गया, सिर के अंदर हो गया, जहाँ बालों का गुच्छा उतर जाता है या बालों के अंदर जो है वो
ज़्यादा फैलाव कर लेता है, कुछ आपके पास में बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह है उनके साथ में अगर हुआ है, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है उसमें बहुत ही जो है संक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके अंदर हमको जो है एंटी फंगल मेडिसिंस भी यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि हम मुँह के द्वारा दे सकते हैं। कोई मरीज़ बहुत ही गंभीर अवस्था में है तो उसके अंदर एंटी फंगल हमको इंजेक्शन के रूप में भी देनी पड़ती है। साधारणतया दाद के अंदर ओरल मेडिसिन, ओरल दवा और लोकल ट्यूब लगाने से ही आराम हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि कहीं भी ऑन द काउंटर दवा की दुकान पे जाके आप स्टीरॉयड क्रीम, मिक्स क्रीम नहीं लें जो आपके दाद की जो प्रकृति है उसको बदल देती है और ठीक होने के बजाय वो और भी ज़्यादा क्रोनिक और रेजिस्टेंट, मतलब जो दूसरी साधारण जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं दाद के अंदर उनसे काम नहीं करती हैं और वो बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑन द काउंटर जाकर के मेडिकल की शॉप से स्टीरॉयड ट्यूब्स का इस्तेमाल न करें, जो आपका डॉक्टर सलाह देता है वही ट्यूब इस्तेमाल करें, स्टीरॉयड ट्यूब का इस्तेमाल न करें। बिल्कुल दाद से बचा जा सकता है और इसका संक्रमण रोका जा सकता है, बशर्ते हमें ये मालूम हो कि ये कैसे फैल रहा है। दाद के फैलने का मुख्य कारण त्वचा का कॉन्टैक्ट है। दाद के अंदर जो हम टॉवल्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल दूसरा ना करें, अपने अपनी वो चीज़ें अलग रखें। दूसरा जो है अपन कंघे का इस्तेमाल, एक सेपरेट कंघे का इस्तेमाल करें जिससे वो दूसरे को ना फैले। दूसरा जो है नाखूनों का जो है खिरना, जिस नाखूनों के अंदर होता है, नाखूनों का जो खिरना होता है तो उनको हम सेपरेटली एक उसमें इकट्ठा करके फेंकें। बेड शीट वगैरह शेयर नहीं करें, बेड जो है जब अगर बीमारी है तो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करें। क्लोज और अति पर्सनल रिलेशंस बनाने की को बनाए, कम से कम बनाए ना बनाए जब तक कि वो बीमारी ठीक ना हो, नहीं तो ये जो है एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। तो बचाव के लिए सबसे खास बात है कि एक तो सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जहाँ पर भी आपने रखा है उस सतह को पूर्ण रूप से साफ़ करें और सैनिटाइज करें, हाथों का पूर्ण सैनिटाइजेशन, सफाई रखें, हाथ बार बार धोएं और कपड़ों का, बिस्तरों का और अपने पर्सनल हाइजीन, जो अपनी साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखने से दाद से बचाव किया जा सकता है और फैलने से रोका जा सकता है। Thank you.